नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनआई न्यूज। जेएनआई न्यूज में आप सबका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच जनपद से आ रहे, आपको बता दें शिवपुर इलाका में पहुंचा तेंदुआ। फ्रेंड्स क्लब बहराइच ने चलाया जागरूकता अभियान। आपको बता दें कतरनिया घाट फ्रेंड्स क्लब बहराइच की ओर से बहराइच वन प्रभाग की नानपरा रेंज के शिवपुर ब्लॉक के तेंदुए के हमला प्रभावित क्षेत्र में एक दिवसीय जागरूकता अभियान चलाकर ग्राम उप हिरनपुरवा, डल्लापुरवा, गोबरेपुरवा व मौनी बाबा मंदिर के प्रांगण में लगी साप्ताहिक बाजार में ग्रामीणों को तेंदुए के हमलों से बचाव हेतु टिप्स देकर जागरूक किया गया। आपको बता दें जनपद के नानपरा इलाका में शिवपुर ब्लॉक अंतर्गत एक तेंदुए के आने से इलाका में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसे देखते हुए फ्रेंड्स क्लब की ओर से इन सभी स्थानों पर जागरूकता के टिप्स लिखे फ्लैक्स बैनर लगाकर ग्रामीणों को पंपलेट व बिस्कुट वितरित करके क्लब अध्यक्ष भगवान दास लखमानी ने बताया कि बहराइच वन प्रभाग तेंदुए को पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहा। तेंदुए को छिपकर घात लगाने का मौका न मिले। दूसरी बात देखो, जब तक तेंदुआ नहीं पकड़ जाता, ये भी बात महत्वपूर्ण है, प्रातः भोर एवं भोर के समय एवं शाम को समूह में निकले, अकेले न निकले, या खास तौर से छोटे बच्चों को थोड़ा ध्यान रखें उनका। शाम एवं रात के समय टार्च एवं डंडा अपने पास अवश्य रखें। अगर हाथ में डंडा है तो कम से कम मान लीजिए कोई जानवर कहीं जा रहे हो, रात बिरात आपके सामने पड़ गया तो खुद तो बचाव अपना कर सकते हो, और टार्च है तो देख सकते हो, ठीक है। रात को खुले में ना सोए और ना ही बच्चों को सोने दें। जब तक तेंदुआ इस क्षेत्र में है, आप देखिए बच्चा मान लीजिए रात को सो रहा है तो तेंदुआ बहुत, में ना सोए और ना ही बच्चों को सोने दें। जहां भी जैसे इस क्षेत्र में जंगल है या पानी है उस तक शाम के समय रात के समय मत जाओ, वहां पर ये मौजूद हो सकता है, ठीक है। इसलिए और मान लीजिए कि किसी भी गांव में, इस क्षेत्र के किसी भी गांव में तेंदुआ के आहट लगती है तो उसको लाठी डंडा लेके मारने की, दौड़ने की जरूरत नहीं है। जानवर भटक के जंगल से आ गया है, इसको बोलते हैं तेंदुआ। कोई शेर बोले, ये बोले, बोलने की जरूरत नहीं, तेंदुआ बोलते हैं इसको। तो देखिए पूरे चारों तरफ क्षेत्र में हमने देखा गन्ना बोया हुआ है, तो जानवर को तो नहीं मालूम है ना कि ये गन्ना है, इसको आपने बोया है और आपने बड़ा किया है, वो अनजाने में इसको जंगल समझ के रह रहा है, ठीक है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सतर्क रहें, अपने घर के आसपास झाड़ी हो, जक्काड़ हो तो उसको साफ रखें, जिससे कि इसको छुपने का मौका ना मिले। और गन्ने के खेतों की ओर बच्चों को कदापि न जाने दें। गन्ने के खेतों की ओर बच्चों को कदापि न जाने दें। स्वयं भी जाना हो तो समूह में जाए और ताली बजाते हुए शोर मचाते हुए जाए, समझो। अब जानवर जैसे मान लीजिए गन्ने खेत में बैठा है, उसको क्या मालूम आप अचानक पहुंच गए तो उसका स्वभाव ऐसा है, वो हमला कर देगा। इसलिए गन्ने के खेत जो होते हैं, वो हमने आपको भी बताया नहीं, वो गन्ने के खेत को ये नहीं जानता कि आपका खेत है, आपने गन्ना बोया, आपने बड़ा किया है, वो उसको जंगल समझता है। इसलिए इन सब बातों का आप लोग ध्यान दीजिए और सतर्क रहिए। जब तक तेंदुआ पकड़ नहीं जाता, वन विभाग वाले पूरी प्रयास कर रहे हैं, उनका सहयोग करिए आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टीम और ड्रोन कैमरे मंगाए गए उसको ढूंढने के लिए। कतनिया घाट से हाथी आई चंपाकली जयमाला, उसको हाका लगाने के लिए। तो जब तक तेंदुआ पकड़ नहीं जाता है तब तक आप सतर्क रहें, जिससे किसी के भी किसी बच्चे का कोई नुकसान ना हो, ठीक है। उनको खरोच दिया और दो बच्चे दुर्भाग्यवश दो बच्चे मारे भी गए तेंदुआ के द्वारा, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आप लोग भी सुरक्षित रहो और जब तक जानवर पकड़ नहीं जाता है थोड़ा सतर्क रहो। इसीलिए आपको देखिए ये जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है, जो बातें बताई गई है उसको ध्यान दीजिए और तेंदुआ को पकड़ने का पूरा प्रयास चल रहा है। जब पकड़ जाएगा फिर अपनी, आप लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जैसे जीते हो जिए, कोई दिक्कत नहीं है।